त्रयोदश अध्याय ज्यामितिक अंकन आमे जहाँ जानिछु तुम ज्यामिति बक्सरे सब जंत्र मानकर नाम जानिछ आस सेगुडिकर केतक व्यवहार संपर्क जानिबा। जंत्रर नाम व्यवहार एटा हला स्केल। स्केल रो कोन व्यवहार रहिछि सरल रेखा और रेखाखंडर अंकन रेखाखंडर दैर्घ्य निर्णय करिबा निर्दिष्ट मापर रेखाखंड अंकन यह हला स्केल व्यवहार। तार प्रोट्रैक्टर दत्त कोणर माप जानिबा प्रोट्रैक्टर साहाय्यरे आम कोण मानकर माप जानिपारती निर्दिष्ट माप विशिष्ट कोण अंकन सेट स्क्वायर रेखाखंड उपरिस्थ कौनसी बिंदु प्रति लंब अंकन करिबा। कंपास वृत्त अंकन निर्दिष्ट मापर रेखाखंड अंकन पूर्व श्रेणी तुम स्केल व्यवहार कर एक निर्दिष्ट मापर रेखाखंड अंकन करवा शिखिच। कंपास व्यवहार कर एक निर्दिष्ट दैर्घ्यर रेखाखंड किप अंकन कराए आस आलोचना करवा। उदाहरण एक कंपास व्यवहार कर 5 सेमी दैर्घ्यर एक रेखाखंड अंकन कर। देख किपर भाव कंपास पेनसिल माप उपर सुन उपर पकईकिमी माप अंकन कर 5 सेमी। यही भाव में मत तुम्हें माप कर स्केल और कंपास मध्यम आम क्यों क्यों सोपान देखी कंपास व्यवहार कर 5 सेमी दैर्घ्य रेखाखंड अंकन करवा। प्रथम सोपान कौन प्रथम गोटे सरलरेखा अंकन कर प्रथम आम स्केल पकईकी पेनसिल साहाय्यरे गोटे सरलरेखा अंकन करदे। द्वितीय सोपान यही सरलरेखा उपर गोटे बिंदु चिह्नट कर यही सरलरेखा उपर गोटे बिंदु चिह्नट कले तार नाम दे सी। तृतीय सोपान गोटे स्केल नि स्केल शून्य चिह्न उपर कंपास कंटा मुन रखी कंपास खोली पेनसिल मुन को 5 रख देख ये शून्य पर रखी कंपास मुनटा ये शून्य पर रखी 5 पर्यटन आम आ। चतुर्थ सोपान एवं कंपास को स्केल उपर उठाई आण तुम्हें पूर्व आंकी सरलरेखा उपरिस्थ सी बिंदु पर कंपास कंटा मुन को रख पेनसिल मुनटी सरलरेखार जोठार रहा तहार नाम दिए टी तेबे सी टी रेखाखंडर दैर्घ्य हो 5 सेमी। तेल देख यही बिंदु पाखे कंपास मुन रखी सीधा पेनसिल आरको बढ़ाई रखिले जोटी पेनसिल मुन पाइला से सीडी है 5 सेमी। अभ्यास कार्य 13.1 एक नंबर केवल स्केल व्यवहार कर 4.2 सेमी और 6 सेमी मापर रेखाखंड अंकन कर। केवल स्केल व्यवहार करके आम 4.2 सेमी और 6 सेमी मापर रेखाखंड आम अंकन करवा। स्केल खाता उपरे पकाई आरंभ बिंदु शून्य पाखरे बिंदुटी दियो बिंदुर नाम ए दियो तापरे 4.2 सेमी नहीं आउ गोटे बिंदु बी दियो ये ए बिंदु उनको बोले इटा बी बिंदु ए बिंदु है ए नाम है बी दुटी बिंदु को आम संजोग करदे 4.2 सेमी। ए बी बिंदु दुईटी जोग कर बर्तमान ए बी है 4.2 सेमी से ही परी तुम्हें 6 सेमी मापर रेखाखंड अंकन करा जीवा।
स्केल रे माप नेले शून्य पाखरु तार नाम देले ए शून्य पाखरु 6 सेम पर्यंत स्केल माप नेले तार रो नाम देले बी तले ए बी दुटी बिंदु को में संयोग कर देले ठला 6 सेम। दुई नंबर स्केल और कंपास व्यवहार करी 6.8 सेमी दैर्घ्यर रेखाखंड अंकन कर। प्रथमे गोटे सरल रेखा अंकन कर। यही रेखा ऊपर कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का। चुनिए शाइन ट्यूटोरियल को और करें अपने CBSE बोर्ड एग्जाम एंड कंप्यूटर का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप तहार नाम दियो सी। बिंदु चिन्ह करले ता नाम देले सी। गोटे स्केल नियो स्केल रो शून्य चिन्ह उपरे कंपास रो कंटा मुन रखी कंपास खोली पेंसिल रो मुन्न को 6.8 सेमी ऊपर रख। एबे कंपास टी को स्केल ऊपर उठाई आनो। सरल रेखा उपरिस्त सी बिंदु उपरे कंपास कंटा मुन्न को रख। पेंसिल मुन्न टी सरल रेखार जेउठारे रहिला ताहार नाम दियो डी। एबे सी डी रेखाखंड रो दैर्घ्य 6.8 सेमी सी मुरे रखिकी सरेखा रो आगे नबा जति पर्यंत आसिला तार नाम देले डी। रेड हला 6.8 सेमी। तीनी नंबर स्केल व्यवहार करी 8 सेमी दैर्घ्य रो एबी रेखाखंड अंकन कर। सही एबी रेखाखंड को 4.5 सेमी दैर्घ्य रो एसी रेखाखंड काटि दियो। बीसी रो दैर्घ्य केते हेउचि माप। प्रथमे गोटिए सरल रेखा अंकन कर। यही रेखा पर गोटे
बिंदु चिह्नट करी ए नाम दियो। कंपास रो मुन को स्केल रो शून्य उपरे रखी पेंसिल मुन को कंपास रो 8 सेमी दैर्घ्यर माप आने सरलरेखा चाप काट जो चाप काटिलो ताहार नाम बी दियो। तमें कंपास मुन स्केल शून पर रखा पेंसिल मुन को कंपास 8 सेमी दैर्घ्यर माप आनी सरल रेखा चाप आम काटिद जो जो चाप आम जहाँ पाइले तार नाम देले बी। बर्तमान एला 8 सेमी एबि रेखाखंड रु चार दशमिक 5 सेमी दैर्घ्यर एसी रेखाखंड चाप काटी दियो। चाप जोठी काटिल तहार नाम सी दिए ताले एबि रेखाखंड उपरे 4.5 सेमी दैर्घ्यर ए सी रेखाखंडर चाप काटिनियो। ताले मेउटु 4.5 सेमी चाप आम काटि नवा चाप जोठी काटिल तहार नाम दियो सी। बी सी रो दैर्घ्य 3.5 सेमी अत बी सी 3.5 सेमी। 4 नंबर केवल स्केल व्यवहार कर 5 सेमी दैर्घ्य रेखाखंड अंकन करने बेले क्यों क्यों सोपान दे कार्य कर लेख। खाता उपरे स्केल पकाई स्केल रो शून्य पाखरे बिंदु नियता परे पांच सेमी चापर बिंदु टीए नियो वर्तमान 2 बिंदु को स्केल द्वारा योग कर तहार नाम एबी दियो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବି ଯଥାଘଣ୍ଟ 500। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।